टाउन स्क्वायर में एक जिंदा स्टैचू के रूप में काम करने वाला एक आदमी घंटों से हिला ही नहीं है। वह हिल नहीं सकता क्योंकि एकदम खाली जगह पर एक डरावना ज़ोंबी उसे घूर रहा है। कोई ना कोई इस ज़ोंबी सर्वनाश का कारण है और अब चारों ओर पूरी तरह से नरक है और पूरे शहर में चलने वाले डेड बॉडीज रेंग रहे हैं। ज़ोंबीज खतरनाक रूप से इंसानों पर झपटते हैं और उन्हें जिंदा खा जाते हैं। पूरी जगह खून से ढकी हुई है। एक ज़ोंबी लगातार सुनहरे बालों वाले स्टैचू वाले आदमी की आंखों में झांक रहा है। वह जितना हो सकता है उतना अच्छा रखता है और इस फैक्ट के बारे में सोचता है कि उसने शायद 5 मिनट से सांस नहीं ली है। अगर यह जारी रहता है तो वह बस बेहोश हो जाएगा। वह ध्यान से थोड़ी सी सांस लेता है लेकिन उसका स्थिर शरीर धीरे धीरे अपने मालिक को थकाने लगा। उसके पैर दर्द कर रहे हैं, उसके सुन हाथ पहले से ही कांप रहे हैं और सबसे बुरी बात यह है कि उसकी नाक में खुजली होने लगी है। चिंता के मारे पसीने की एक बूंद धीरे धीरे उसकी कनपट्टी से टपकती है। अचानक पास में कुछ ज़ोंबीज एक आदमी को पकड़ लेते हैं और उसकी चीखें आदमी के पास वाले ज़ोंबी को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इस लंबे समय के ठहराव के दौरान उसे कुछ सांस लेने, अपने पैरों को फैलाने और इस पोज को थोड़ा बदलने का मौका मिलता है। और जब ज़ोंबीज पास में आदमी को ठीक उसके पैर पर खा रहे हैं तो वह इसे सह नहीं पाता है और उसका सूसू निकल जाता है। बाप रे, इस बीच ज़ोंबीज अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। खून और मांस सभी दिशाओं में उड़ जाता है और उनमें से एक ठीक उसके कंधे पर गिर जाता है। उस समय वह अनकंफर्टेबल हो जाता है और उल्टियों से बचने के लिए संघर्ष करता है। अचानक उसके गाल सूज जाते हैं और उसका मुंह उल्टी से भर जाता है लेकिन वह हिम्मत करके अपनी उल्टी को वापस पी लेता है। वह बीमार हो जाता है और किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को डिस्ट्रैक्ट करता है। वह चारों ओर अच्छी तरह से देखने का फैसला करता है और देखता है कि उसके सहयोगी कैसा कर रहे हैं। मैरी क्लाउन दुर्भाग्य से जिंदा नहीं रहा। वह अंतिम समय तक पूरी हिम्मत से लड़ा। जो कुछ बचा था वो था पेंटर पास्कल का एक खूनी कैनवास और एक कटा हुआ हाथ उसके पेंटिंग से लटक रहा था। लेकिन काले रंग के ठेले वाला आदमी बिल्कुल ठीक है। इतना ही नहीं, अपने ठेले के साथ वो धीमी गति से चलते हुए वह थोड़ा थोड़ा करके चलता ही जाता है। हमारा हीरो ईमानदारी से अपने सहयोगी का समर्थन कर रहा है और उसकी सफलता की कामना भी करता है। लेकिन तभी कहीं से दो ज़ोंबीज किसी के कटे हुए सिर के लिए लड़ते दिखाई देते हैं। सिर उनके हाथों से गिर जाता है और ठीक उसके ठेले में चला जाता है। ठेले वाला आदमी हिलने लगता है और बेचारा उल्टी कर देता है। ज़ोंबीज इधर उधर भटकते हुए ठोकर खाते हुए शिकार को देखते हैं और उस पर बेरहमी से झपटते हैं। वह विरोध करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपने दोस्त की शर्मनाक हार को देखते हुए आदमी आंसू बहाता है और जबकि ज्यादातर ज़ोंबीज उसके सहयोगी को खाने में बिजी है, हमारा हीरो बचने के लिए इस सिचुएशन का इस्तेमाल करने का निर्णय लेता है। वह आदमी अपनी हिम्मत जुटाता है, मंत्र बोलता है कि वह आज मरने वाला नहीं है। वो सीढ़ियों से नीचे कूदता है और अपने पैर को मोड़ता है। एक जोरदार क्रंच और उसके बाद की चीख तुरंत सबका ध्यान आकर्षित करने लगती है और वे हमारे लंगड़ाते स्टैचू को फॉलो करने में संकोच नहीं करते। धीरे धीरे डगमगाते हुए वह एक गली में आ जाता है लेकिन ज़ोंबीज उसके साथ रहते हैं और आत्मविश्वास से उसका पीछा करते हैं। वह अपने ट्रैक को कवर करने की कोशिश करता है और चुपके से एक कंक्रीट की सीढ़ी के नीचे छिप जाता है। ज़ोंबीज धीरे धीरे गुजरते हैं और हमारा हीरो सावधानी से सीढ़ियों के नीचे से बाहर निकलता है, यह सोचकर कि उसने सभी को पछाड़ दिया है। वह वास्तव में अपनी किस्मत से खुश है और रोबोट स्टाइल में डांस करने लगता है। लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे पीछे मुड़ता है वह देखता है कि उसके उत्साह ने ज़ोंबी की एक नई और भी बड़ी भीड़ को आकर्षित किया है जिससे कोई भी बच नहीं सकता है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।